संसद में इस तरह के अव्यवहार को कर रहे हो, क्या इटली बनाओगे क्या देश को? फ्लाइंग केस मंच पे सगी बहन के साथ जिस तरह का, वो यहाँ नहीं होता इंडिया में। हमारी बहन है, हम बहन के साथ जो सभ्यता के साथ रहते हैं हमें मालूम है। न्यू नॉर्मल है वो तो कह रहे हैं। न्यू नॉर्मल है लंदन थोड़ी है या इंडिया है, न्यू नॉर्मल है। तुम फ्लाइंग किस करोगे, तुम क्यों यूं करोगे, झप्पी मारोगे, कह दोगे न्यू इंडिया है। कांग्रेस के कुछ समर्थक कहते हैं लड़का है भाई कर सकता है। तो इसे मुलायम सिंह भी कह रहा था जो रेप हो गया था, कह रहा लड़का है गलती हो जाती है, क्या करोगे? 24 का लोकसभा चुनाव बहुत ही खास है, गठबंधन वर्सेस गठबंधन है, कुछ नहीं लग रहा है। केवल हवा आप लोग बना रहे हैं, बाकी कहीं कुछ वापसी कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ। जनता ने मूड बना लिया, सामने देख लिया है और इधर भी देख लिया, कहीं कुछ नहीं। पहले हम ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मोदी जी वहाँ फैर भी गोल तरह चपक हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है केवल भारतवर्ष में 4 या 5 पार्टी हैं, बाकी सब प्रॉपर्टी हैं। अच्छा, आप बताओ कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी प्रॉपर्टी गांधी परिवार की, बहुजन समाज पार्टी मायावती की प्रॉपर्टी, अच्छा, सपा समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की प्रॉपर्टी, केवल एक भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी जो लोग अपने संघर्ष से ऊपर आए हैं। और वहाँ चाय वाला भी, सब्जी वाला भी और ठेलिया वाला भी कुछ बन सकता है, यहाँ आप बता दो क्या बन सकता है? मतलब हाई कोर्ट ने सदस्यता रद्द की तो लोकतंत्र खतरे में, और सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी तो लोकतंत्र जिंदा है उनकी। लोकतंत्र की बात करी तभी एक बात याद आती है कि देखिए राहुल गांधी कहते हैं अहंकार रावण की लंका, हनुमान जी ने नहीं रावण के अहंकार ने जलाई, मोदी का अहंकार ही भाजपा की कमर। छोटा सा उदाहरण दे दीजिए आप, मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि नहीं किया था, याद है आपको कि नहीं? याद है, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, बिल को कैसे फाड़ के फेंका था, ये क्या था? ये लोकतंत्र की जीत थी। कैबिनेट का प्रस्ताव एक पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं, एक पार्टी का उपाध्यक्ष कैबिनेट कहाँ बनती है, संसद में, उसके प्रस्ताव को, इससे लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, संसद में इस तरह के अव्यवहार को कर रहे हो, क्या इटली बनाओगे क्या देश को? फ्लाइंग केस मंच पे सगी बहन के साथ जिस तरह का, वो यहाँ नहीं होता इंडिया में। हमारी बहन है, हम बहन के साथ जो सभ्यता के साथ रहते हैं हमें मालूम है। न्यू नॉर्मल है वो तो कह रहे हैं। न्यू नॉर्मल है लंदन थोड़ी है या इंडिया है, न्यू नॉर्मल है। तुम फ्लाइंग किस करोगे, तुम क्यों यूं करोगे, झप्पी मारोगे, कह दोगे न्यू इंडिया है। कांग्रेस के कुछ समर्थक कहते हैं लड़का है भाई कर सकता है। तो इसे मुलायम सिंह भी कह रहा था जो रेप हो गया था, कह रहे लड़का है गलती हो जाती है, क्या करोगे? ले बनाओ 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 सबको बनाओ, ये बनाओ। तो ये 26 देखिए 24 का लोकसभा चुनाव बहुत ही खास है, गठबंधन वर्सेस गठबंधन है, कुछ नहीं लग रहा है। केवल हवा आप लोग बना रहे हैं, बाकी कहीं कुछ वापसी कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ। जनता ने मूड बना लिया, सामने देख लिया है और इधर भी देख लिया, कहीं कुछ नहीं। पहले हम ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मोदी जी वहाँ फैर भी गोल तरह चपक हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। आज क्या मैं कह रहा हूँ, पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 60% नंबर ला रहे हैं, पास हो रहे हैं, 60% नंबर ला रहे हैं, पास हो रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं उनकी सरकार थोड़ी बना देंगे। तो डर कह रहे हो भाई, मेंबरशिप की उम्र हटा रहे हो बार बार, आप कानून से ऊपर हैं। फिर मैंने कहा हमें बोल, राघव चड्ढा के साथ जो संसदीय कार्य समिति ने किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, क्यों नहीं जाते हैं? लोकतंत्र है ना, कानून है कि नहीं है? सब कानून से काम हो रहा है, सब कानून से काम हो रहा है, कानून के खिलाफ एक बूंद काम नहीं हो रहा है। और नहीं, ये लोग तो उपद्रव मचा देते, क्यों अपने लिए जी रहे हैं देश के? मणिपुर की, अच्छा आप बताइए मणिपुर की समस्या को क्या विपक्ष हल करना चाहता है? परसों प्रधान राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल की मीटिंग के बाद में, संसद के बाद में राहुल गांधी ने कहा कि देखिए आर्मी चाहे 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कहा नहीं, ये क्या कहा कि मोदी जी चाहे तो वहाँ शांति हो जाए, वो क्यों नहीं चाहते मैं जानता हूँ। आज देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, जाने बतावे कि मोदी जी क्यों नहीं चाहते? मोदी जी चाहते हैं कि मणिपुर में आग लग जाए हम जीत जाएंगे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री चाहता है कि मणिपुर में आग लग जाए हम जीत जाएंगे? तो बात क्यों नहीं कर रहे, यही तो क्या? राहुल गांधी बतावे ना, राहुल गांधी बात बतावे कि मैं जानता हूँ कि मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बतावे जनता के सामने, यही तो वो कह रहे। और संसद में क्यों नहीं बताया, संसद में क्यों भाग गए, बाहर क्यों आके बता रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि कल बैटिंग अच्छी हो गई है 2020 में, अब मेरी हालत खराब है, कुछ बोल दो ने लोग कहेंगे क्या है, बोलती बंद हो जाती है। उनका पार्टी का जो संसद का सदस्य है अधीर रंजन, वो तो यूं करने लगता है, तो मजे ले रहे थे मोदी जी कल, हैं कल तो मजे ले रहे, बिल्कुल मजे ले रहे, वो बात ही ऐसी करता है, वो बोल ही नहीं पाता है, बोल ही नहीं पाता है, वो ऐसे घुमा दिया। अब उस पर भी विचार हो रहा है,
तो उनको भी हटाया जाएगा। ये मणिपुर में कह रहे कि ये आर्मी भेज दो भाई, दो दिन का काम है आर्मी का, काहे नहीं भेज रहे मोदी जी, क्या दिक्कत है भाई? मेरी बात बताइए, मेरी एक बात बताइए, जहाँ जहाँ दंगे होते हैं वहाँ की आर्मी भेज दी जाती है। आप दो समुदाय रह रहे हैं और आज से रहे मणिपुर आज बना है क्या? तो मैं फिर इसमें बता रहा हूँ कि इसमें विपक्ष की भूमिका है, क्योंकि वहाँ ईसाइत और म्यांमार से आए हुए लोग जो वहाँ उपद्रव कर रहे हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि विपक्ष को चाहिए कोई मुद्दा। बाहरी शक्ति अडानी के नाम पर कितने दिन संसद बंद रखी, क्या अडानी बाहर हो गया? ठीक है, कहने लगे चौकीदार चोर है, कोर्ट में चल रहा है, मानहानि का हाथ जोड़ रहे हैं, समझे नहीं, अपना खुद ही बेल में है। और आप कहने लगे कि मणिपुर, अब क्या देश में मणिपुर समस्या है? डेली एक समस्या भारत में आ रही। अच्छा, क्या लग रहा है अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या ये मैटर सोल्व कर पाएंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं, उनका विचार है भाई, उनका संकल्प है कि जिस दिन हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे दूसरे दिन आप देखिएगा उनकी शादी का रिसेप्शन होगा। अब उनकी ना शादी होनी है ना प्रधानमंत्री बनने, तीन दिन के लिए मैं प्रधानमंत्री बना के देखो, तीन दिन में माहौल सेट हो जाएगा, मणिपुर को हम बचा लेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वहाँ इस्तीफा करो और भाजपा को वहाँ से हटा दो, वही वो देश की जनता से कह रहे हैं, पर जनता इधर से सुन रही है और इधर से निकाले दे रही, मौका ही नहीं दे रही है, मौका ही नहीं दे रही, तो राहुल गांधी करेंगे क्या? और ये कहिए देखिए, भाजपा का आरोप, कांग्रेस का आरोप ये है, हमें भी मौका नहीं मिलता है हमें संसद में बोलने का, जब भी हम कुछ बोलते हैं ये डर जाते हैं और डर के मारे फिर हम पे कोई ना कोई एफआईआर हो जाती है। जब बोलने लगे वो तब पूरे विपक्ष वॉकआउट हुआ था, वॉकआउट हो गया, क्यों वॉकआउट हुआ था आप ये बताइए, क्यों वॉकआउट हुआ था? बनाने के लिए ऐसा समझो जैसे ऊँट के मुँह में जीरा डालना। अच्छा हाँ, और ये समझो मैं आपको एक बात और बता दूँ, हाँ ये बहुत बड़ी सिम्बे वाली बात नहीं है, और ये जो आप ये मोदी को हराने की बात कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं, हम बहुत लंबे समय सुनते आ रहे हैं, ऐसे समझो जैसे हर किसी को हराना हो, आज की डेट में हर एक आदमी मोदी है, आप में और तुम्हारे में मेरे में मोदी की झलक मारती है, जो अगर मोदी को वोट देते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी को वोट देख रहे हैं। अरे कहाँ किसे रोकेंगे, हर कोई आदमी मोदी जी को वोट देने जा रहा है, हर कोई मोदी है, हर कोई राहुल गांधी का रूप फैन नहीं है। ये आप ये जहाँ जहाँ चल लड़ेंगे ये अपनी सीट ही बचा लें, वो इनके लिए जीत है। और सुनो, इससे अलग मैं कह रहा हूँ, आने वाले 15 साल तक, ये स्टेटमेंट मेरी नोट करके रख लेना, आने वाले अगर 15 साल तक अगर बीजेपी को ये उतार दे तो मैं यह इंडिया रहना छोड़ दूंगा। ये सारे के सारे भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं मोदी के समर्थक की, नहीं ये 15 साल 20 साल मोदी फिर योगी, ऐसा है ये इनके ये नहीं बोल रहे, इनका काम बोल रहे हैं भाई, ये कहाँ बोल रहे हैं, इनका तो काम बोल रहे हैं। आप और हम आज सुरक्षित यहाँ खड़े हैं, हमने यहाँ लूटमार होती हुई देखी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, आज यहाँ ये कहते कानून प्रशंसा, कानून शासन मेरे हाथ में दो, केजरीवाल बोलता, अरे यहाँ लूटमार चालू हो जाएगी अगर शासन उनके हाथ में दे दिया, यहाँ दिल्ली की सरकार है, यहाँ केंद्र की सरकार चल रही है, पुलिस के बेशक इनकी दिल्ली की सरकार चल रही हो, शासन पुलिस का शासन केंद्र सरकार के अधीन है और वो हमेशा रहेगा। अच्छा क्या लग रहा है फिर ये 2024 का लोकसभा चुनाव जो है विपक्ष का गठबंधन कह रहा है कि उखाड़ फेंक देंगे, लग रहा है? अरे अगर चोर का नाम अगर ईमानदार रख दो तो वो ईमानदार हो जाएगा क्या? सत्य कह रहे 10 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला काम है इनका, तो अब ये अगर इनका नाम चोर का नाम, लेकिन बड़े बड़े नाम शामिल हैं गठबंधन में, सुनो अगर चोर का नाम ईमानदार रख दे ये बड़े, सुनो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हमने देखा है, हम त्यागी आदमी है, जाटों के साथ हमने लड़के खड़े हुए देखा वहाँ, और हमने कत्लेआम देखी अपने आंखों से वहाँ, आप क्या बात कर रहे हो, और हमने वो देखा लखनऊ से फोन चले गए थे मुजफ्फरनगर में एसएसपी को, जो मुद्दे पकड़े गए थे ना मोमडन के 26 लड़के, वो बहाल करा दिए थे इस सपा सरकार ने, ये वो सरकार है तो ये कहीं ना कहीं जो है देश में हिंसा, नेताओं की विचारधारा तो मिल गई आपने, मिला दिया। हम वोटर हैं, मैं पहले आम आदमी पार्टी का वोटर था, अब कांग्रेस घुस गई तो हम तो आम आदमी पार्टी देंगे और ना आप उसको देंगे कांग्रेस को। कारण ये कि मैं पूछ इधर जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी बनी किस लिए थी? कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे। आज तुम लोग गड़बिल्ली खेलो, हम क्या करें, हम लोग भी अपना हिसाब बना लिए हैं, हमें भी जो समझ में आएगा उसको वोट देंगे। दूसरी बात, जो आप ये गठबंधन वाली बात कर रहे हो, पर ये गले मिले तो आपको क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं धोखा है क्या? ये स्वार्थ के लिए, सबसे बड़ी बात है केवल भारतवर्ष में 4 या 5 पार्टी हैं, बाकी सब प्रॉपर्टी हैं। अच्छा। आप बताओ कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी प्रॉपर्टी गांधी परिवार की, बहुजन समाज पार्टी मायावती की प्रॉपर्टी, अच्छा। सपा समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की प्रॉपर्टी,
केवल एक भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो लोग अपने संघर्ष से ऊपर आए हैं, और वहाँ चाय वाला भी, सब्जी वाला भी और ठेलिया वाला भी कुछ बन सकता है। यहाँ आप बता दो क्या बन सकता है, बताओ। संसद में लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी का अध्यक्ष नहीं बोल रहा पहले, बिल्कुल। और अभी आपने कहा राघव चड्ढा के बारे में, हमें ये बात बताइए, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, बाहर रोडों पे आंदोलन शुरू हो गया, सदस्यता तो कोर्ट ने रद्द की थी,